हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की हमारी वीडियो ये है कि हमारे पंजाब से गेस्ट आ रहे हैं, तो उस पर मैं वीडियो बनाने लगी हूँ क्योंकि उनका डिनर रखा है हमने। तो वो अभी आएंगे तो मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ, और अभी तो मैं बच्चों को ट्यूशन से लेने जा रही हूँ, तो फिर मैं आके आपको वीडियो आगे खाना बनाने लगे तो पूरी वीडियो बनाऊँगी। तो फिर आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखे, बच्चों को ले आई थी उसकी टुक्को, तो मैं नहीं थी गई, तो अभी वो खेल रहे हैं अपने चाचू के साथ। और वो अम्मी हैं, वो खाना खा रही हैं, किरण भी खाना खा रही है, अभी ये दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो उनकी दावत तो वैसे रात की है, तो उनके लिए अभी खाना ये देखे, मैंने प्याज को फ्राई करना रख दिया है कटिंग करके, और ये किरण चिकन को धो रही है। ये जब धुल जाती है तो आपको दिखाते हैं, हेलो कर दो। और ये मैंने सारे मसाले बना के रख दिए हैं। मैंने एक चम्मच हल्दी का ले लिया था और दो चम्मच इसके लाल मिर्ची के, और ये सूखा धनिया है दो चम्मच इसके, और नमक आप अपने मुताबिक डाल दीजिएगा, मैंने तो दो चम्मच लिए हैं। और ये बिरयानी मसाला और गरम मसाला, और ये पुदीना और धनिया और हरी मिर्ची और टमाटर ले लिए मैंने। टमाटर मैंने 6 अदद लिए थे, उसमें से आधे मैंने निकाल लिए हैं कि ऊपर से डालने के लिए गार्निश के लिए, और अभी प्याज ब्राउन हो जाता है तो वो भी निकाल के इसके अंदर डाल लेंगे। और ये मैंने आलू, और ये देखिए मैंने आलू और चिकन इसके अंदर डाल दिए। अभी इसमें चिकन को और आलू फ्राई हो गए हैं, तो अभी इसके अंदर मैंने जो मैंने बताया था आपको मसाले सारे शामिल कर दिए हैं। तो ये जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं चावल को बॉईल करने रख देती हूँ। अंदर ही दही को भी शामिल कर दिया इसके अंदर, जो कि फ्राई हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी कि आलू पक जाएंगे। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं क्योंकि मैं जॉब पर था, और जब मैं आया हूँ जॉब से तो मुझे पता चला हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, और वो खाला की बेटी पंजाब से आई है, तो उसका हमने इंतज़ाम किया है डिनर का, तो वो आएँगी अभी, तो हम आपको उनसे भी मिलवाएँगे। ये देखिए चावल भी बॉयल हो चुके हैं, ये इसके अंदर मिक्स तेल लगाने लगे हैं, ये सालन भी बनना हुआ है। ये देखें अब बिरयानी तैयार हो गई ऑलमोस्ट, और मैंने इसकी तह भी लगा चुकी हूँ, तो अभी मैं मैक्रोनी बनाने लग गई हूँ, तो फिर वो इसकी भी आपको दिखाते हैं। हेलो व्यूअर्स, और अभी हमारा जो खाना था वो तैयार हो चुका है, और अभी रोज़े का टाइम हुआ है, रोज़ा खुलने का टाइम हुआ है, क्योंकि मेरी वाइफ ने 2 दिन का एक साथ रोज़ा रखा था, तो अभी खुलने लगे हैं रोज़ा, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, और हमारे गेस्ट आ चुके हैं और खाना लग चुका है। ये बनाया है मैक्रोनी, आप देख सकते हैं, और सलाद है और बिरयानी है और रायता है। और ये आसिफ भाई हमारे पंजाब से आए हैं, तो इनके लिए हमने डिनर का इंतज़ाम किया था, तो अभी खाना लग चुका है। ओके, ये देखो कितनी क्यूट सी है, ये भी पंजाब से आई है। इसकी मामा नाम नैंसी है, मेरे सामने इसका नाम नैंसी है, ये इसको हम लेने लगे हैं। ले लेते हैं, सही है, आपको हम ले लें। ये डरती और शर्माती बहुत है, शर्मा रही है। हाँ, तो जो गेस्ट आए थे वो ऊपर मामू के घर गए हैं उनको मिलने के लिए, क्योंकि मेरे मामू ससुर भी ऊपर रहते हैं, तो उनको मिलने गए हैं ना, तो अभी वो वापस नीचे आएंगे। तो वो उनको कैमरे के सामने इसलिए नहीं लाए क्योंकि उनको अलाव नहीं है, उनकी यानी कि जो हमारी कज़न है उसे अलाव नहीं है। भाई को तो अलाव था, तो भाई आ गए हैं कैमरे के सामने, लेकिन उनको नहीं अलाव ना। चले, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और हमें दुआओं में याद रखना। हाँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पूरी पसंद आई होगी। तो आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चले फिर आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। बाय।